दोस्तों भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह ने 3 शादियां की, जिसमें से 2 असफल रही और तीसरा ज्योति सिंह की शादी पवन सिंह के साथ अभी तक सफल रही। दोस्तों हम 100% श्योर हैं कि ज्योति सिंह को आपने देखा होगा, लेकिन आप क्या जानते हैं कि ज्योति सिंह की कितनी बहनें हैं, उनके भाई कितने हैं और वो लोग दिखते कैसे हैं और वो लोग क्या बहुत ज़्यादा रईस हैं या फिर गरीब हैं? अगर ये बातें आप जानना चाहते हैं तो 2-3 मिनट का वीडियो है, तो मिलान से अंत तक देख लीजिएगा, आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप पवन सिंह को पसंद करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों पवन सिंह की 2 शादी, जिसमें वो दोनों अनसक्सेसफुल रही, मतलब वो सफल नहीं रही। लास्ट में कुछ साल पहले पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की। बताया जा रहा था कि ज्योति सिंह का परिवार बहुत ही रिच फैमिली है और वो बहुत अच्छे परिवार हैं। पवन सिंह ने भी शादी को मंजूरी दे दी अक्षरा सिंह से ब्रेकअप करने के बाद। अक्षरा सिंह ने भी बहुत ज़्यादा इस पर बवाल किया था और सोशल मीडिया पर आके पवन सिंह के सारे राज खोलने की कोशिश की थी। पवन सिंह ने उन्हें जवाब भी नहीं दिया था। खैर, उन सब बातों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर उनकी साली कैसी दिखती है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं पवन सिंह के साले साहब को। दोस्तों स्क्रीन पर जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हैं ज्योति सिंह के भाई, जो कि 12th क्लास में पढ़ते हैं और ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं और इनको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। ये बस इतना ही काफ़ी है इनके लिए कि पवन सिंह हमारे जीजा हैं। दोस्तों बात करते हैं ज्योति सिंह के बहन के बारे में। जी हाँ, ज्योति सिंह की बहन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यही है पवन सिंह की साली, जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और इनको भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ खास मतलब नहीं है। ये बस अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहती हैं और बस अपने फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहती हैं। दोस्तों बात करते हैं ज्योति सिंह के बारे में। ज्योति सिंह भी भोजपुरी में कोई इंटरेस्ट नहीं लेती, लेकिन आज उन्हें लाखों लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं क्योंकि वो पवन सिंह की पत्नी हैं और जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए। क्या आप ज्योति सिंह को इंस्टा पर फॉलो करते हैं? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए A1 बिहार।